गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास, नाउ वी स्टार्ट मैथ्स क्लास एंड एक्सरसाइज 15.3. आई होप यू कंप्लीट एक्सरसाइज 15.2 एंड 15.3 एक्सरसाइज है. आपको ये अपनी बुक्स में ही करनी है, नोटबुक में इसको नहीं करना है. ओके फोर्थ क्लास, अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 15.3. इसको स्टार्ट करने से पहले हम क्या देखेंगे आज, AM और PM का यूज़ करना. ठीक है, हम ये जानते हैं कि सुबह जैसे ही 12 बजे के बाद न्यू नया दिन स्टार्ट हो जाता है, तब से ही क्या AM लग जाता है. जैसे 12 अगर 1 हुए हैं, 12 आवर्स 1 मिनट हुए हैं, तो अभी हम वहाँ पर क्या लगाते हैं, AM का यूज़ करते हैं. तो देखिए AM और PM, हम वैसे अगर नॉर्मली देखें तो मॉर्निंग, इवनिंग, मिड नाइट या मिड नून, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं, और AM और PM का भी यूज़ करते हैं. AM और PM से भी हमें पता चल जाता है कि टाइम अभी रात के 12 बजे हैं या दोपहर के 12 बजे हैं. ठीक है, क्लियर है सबको? अब देखिए अगर दोपहर के 12 बजते हैं तो हम वहाँ पर क्या लगाते हैं, अब अगर रात के 12 बजे होते हैं तब हम उसमें क्या लिखते हैं, 12 AM यूज़ करते हैं. AM की फुल फॉर्म, आज आपको AM की फुल फॉर्म भी मिलेगी. क्या होती है AM की फुल फॉर्म, एंटी मेरिडियन. ओके, और अगर दोपहर के 12 बजते हैं तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, PM को. PM का क्या मीनिंग होता है, पोस्ट मेरिडियन. ओके, पोस्ट मेरिडियन. ओके, अब हम AM और PM को यूज़ करना सीखेंगे कि कहाँ पर AM का यूज़ होता है, कहाँ पर PM का यूज़ होता है. तो आप देखिए अपनी प्रैक्टिस एक्सरसाइज 15.3. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट दिस टाइम्स इन AM और PM. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7:15 इन द मॉर्निंग. हमें इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ टाइम डालना है और AM और PM का यूज़ करना है. डायरेक्ट हम 7:15 लिखेंगे. अब यहाँ मॉर्निंग वर्ड लगा है, मॉर्निंग में हम क्या लगाते हैं, AM का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, AM. ओके, 7:15 AM. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए 8:15 इन द इवनिंग. इवनिंग में, तो इवनिंग के टाइम पर हम क्या यूज़ करते हैं, PM का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8:15 PM. ओके, इसी तरह से आपने सारी करनी है. 6th क्वेश्चन सेम इसी तरह से है, यहाँ पे इवनिंग नाइट, इवनिंग नाइट यूज़ होगा तो PM का यूज़ होता है, अगर मॉर्निंग है तब क्या यूज़ होता है, AM का. ओके, अब देखिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, 20 मिनट्स पास्ट 1 आफ्टरनून. मतलब दोपहर के 1 के बाद 20 मिनट्स और हो गया, मतलब टाइम क्या है, 1:20. अब आफ्टरनून है तो हम क्या लगाएंगे, PM, 1:20 PM. ठीक है, उसके बाद 4:15 इन द मॉर्निंग. सुबह के अभी 4 बजने में क्वार्टर कम है, मतलब 15 मिनट्स कम है, 3:45 हुए, तो मॉर्निंग में है. मॉर्निंग में हम क्या यूज़ करते हैं, AM का. क्या टाइम आ जाएगा, 3:45 AM. क्लियर है? यस, इसी तरह से हमने ये यूज़ करने हैं. अब ये देखिए 10:15 इन द मॉर्निंग, मतलब 10 के बाद 10:15 हो चुके हैं, मतलब 15 मिनट्स ऊपर हो चुके हैं, 10:15 हुए हैं और मॉर्निंग में है, तो क्या यूज़ करेंगे, AM का. क्लियर है सबको? यस, ये क्वेश्चन इसी तरह से ही होंगे सभी. नेक्स्ट देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग AM और PM. आपको ये बताने हैं, इन क्वेश्चंस को रीड करके उनके आंसर्स लिखने हैं, टाइमिंग लिखने हैं. When did you start for school today? आज आपका, तुम्हारा स्कूल कितने बजे स्टार्ट हुआ था? 9:20 पे स्टार्ट होता है अपना स्कूल, तो 9:20 AM मॉर्निंग में, तो AM. What time did the first bell ring? First bell कब रिंग होती है? First period जब ख़त्म हो जाता है तब, हम 10:20 AM पे. ओके, नेक्स्ट देखिए, What time did you reach home yesterday? कल आप घर किस टाइम पर गए थे? 3:20 पे अपनी छुट्टी होती है स्कूल की, तो 3:20 PM. इवनिंग हो जाती है, इवनिंग वाला टाइम होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, PM. ओके, When did you watch TV yesterday? कल आपने TV कितने बजे देखा था? तो 7 PM. आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं जिस टाइम पर आप TV देखते हो. ठीक है, ऑफकोर्स PM में ही होगा, तो 7 PM. ओके, When did you go to bed yesterday? कल आप बेड पर किस टाइम पर गए थे?
तुम सोने के टाइम पर ही मानते हैं इसको, तो 10 PM पे। ओके, क्लियर है सबको? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट टाइम वाज इट 3 आवर्स बिफोर दिस टाइम। जो हमें टाइम दिया हुआ है उससे 3 आवर्स पहले का टाइम लिखना है, मतलब 3 घंटे पहले का टाइम हमने लिखना है। जैसे 7:30 AM है, हमने पीछे जाएंगे हम 3 आवर्स, 3 आवर्स पहले, 7:30 से पहले 6:30, 6:30 से पहले 5:30, 5:30 से पहले 4:30। तो 4:30 यहाँ पर AM है, तो एज इट इज़ क्या आ गया AM का। फिर 8:15 PM हमने बैक जाना है, 3 आवर्स पीछे जाना है 8:15 PM, तो 8:15 PM में से 3 आवर्स लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5:15 PM। क्लियर है सबको? यस। इसी तरह से अब ये देखिए 12 नून। अब 12 नून है, नून का मतलब क्या है? दोपहर के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे से 3 घंटे पहले, 3 आवर्स पहले क्या टाइम होगा? 9, तो 9 AM। AM ही यूज़ करेंगे क्योंकि हम सुबह जा रहे हैं, 9 वाले टाइम पे आ रहे हैं सुबह वाले। 12 नून दोपहर हुआ है, उसके बाद मॉर्निंग, उससे पहले मॉर्निंग ही चल रही होती है, तो 9 AM यूज़ होगा। ओके, फिर है 12 मिडनाइट, मतलब रात के 12 बजे हुए, रात के 12 बजे हुए, तो उसे 3 आवर्स पहले क्या होगा 9 PM, यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 PM। क्लियर है सबको? इसी तरह से आपके सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। 2:10 AM है, तो 2:10 AM से हम पहले जाएंगे, 3 आवर्स पहले क्या हो जाएगा 11:10, क्योंकि 2:10 से पहले 1:10 से पहले 12:10 और 12:10 से पहले 11:10 PM। अब ये सुबह के 2:10 हुए हुए हैं, और अगर हमें 3 आवर्स पहले, तब रात ही थी, तब मतलब 11:10 PM आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट। इसी तरह से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट टाइम विल इट बी 4 आवर्स आफ्टर दिस टाइम। इस टाइम से जो हमें टाइमिंग दी हुई है उससे 4 आवर्स बाद में लिखना, आफ्टर मतलब बाद में, तो 4 आवर्स बाद में लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4:30 AM है, सुबह के 4:30 बजे, इसके 4 घंटे बाद क्या टाइम होगा 8:30 AM ही होगा, मॉर्निंग ही चल रही होगी 7:05 PM, सुबह रात के 7 बजे हुए 4 घंटे बाद, 4 घंटे बाद क्या टाइम हो जाएगा 11:05 तो इसमें क्या यूज़ होगा PM ही यूज़ होगा, तो PM आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से आप देखिए, हम इस पे चलते हैं, बाकी क्वेश्चन तो इसी तरह से ही हो जाएंगे। चलो ये देखिए, 11:50 AM मतलब सुबह के 11:50 हुए हैं, सुबह के 11:50 हुए हुए हैं, हमने 4 घंटे बाद जाना है, 11:50 के बाद 12:50, 1:50, 2:50, 3:50 आ गया 4 आवर्स में 3:50 PM, दोपहर वाला टाइम आ गया, मतलब आफ्टरनून वाला, तो क्या आ गया 3:50 PM। ओके, अब देखिए 12 मिडनाइट, मिडनाइट में क्या हो जाएगा, मतलब रात के अपने 12 बजे हुए हैं, तो अब हमें 4 घंटे आगे जाना है, 1, 2, 3, 4 पे, मतलब सुबह के AM, 4 AM आ जाएगा। ओके, तो फोर्थ क्लास। इसी तरह से आपके सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे, बहुत इजी हैं, और इनको आपको अपनी बुक्स में ही करना है, नोटबुक में नहीं करना। एंड थैंक यू।